शकरकंद की चाट बनाने के लिए 3 शकरकंदी लिए, इनको धो लिया अच्छे से। कुकर में थोड़ा सा घी ग्रीस करेंगे, फिर ये हम रख देंगे। और उसके ऊपर मैंने 2 किचन टॉवल गीले करके इसमें रख दिए हैं। अब लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद हम इसको नीचे उतार लेंगे, सीटी नहीं लगने देंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी शकरकंदी पक चुकी है। और ये मैं आपको काट के दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इनको हम छील लेंगे, पीसेस में काट लेंगे और एक बाउल में हम इनको रख लेंगे। तो ये देखिए सारी शकरकंदी मैंने पीसेस में काट ली हैं। एक बड़े बाउल में हम ये सारे शिफ्ट कर लेंगे और अब इसमें हम मसाले डालेंगे। एक मैंने बारीक हरी मिर्च काट ली है, इसमें 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 1 चम्मच हरी चटनी डालेंगे, 1 चम्मच इमली की खट्टी हुई चटनी डालेंगे, 1/2 चम्मच टोमेटो केचप, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 इसमें हम नींबू डालेंगे उसका रस। और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। तो चटपटी हमारी शकरकंदी की चाट तैयार है। तो खाइए, इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।